नमस्कार, नीतू किचन में आप सभी का स्वागत है। आप अगर व्रत में मीठा खा खा के बोर हो गई हैं तो इस रेसिपी को ट्राई कर सकती हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मोस्टली आप गिनती में बोलिएगा तो 3 केले और वजन में बोलिएगा तो 1/2 किलो केला। और ये देसी केला ली हूँ मैं, इसको उबाल ली हूँ। उबालने के बाद इसमें लगेगा क्या क्या, देखिए 1 नींबू, थोड़ा सा धनिया पत्ती, हरी मिर्च 4, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकती हैं, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और थोड़ा सा सिंघाड़े का आटा, वो भी सिका हुआ। इसको मैं खाली कढ़ाई में तेल बिना तेल का इसको सेक ली हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलिए सारे केले को छील के बाउल में डाल देते हैं। तो इस तरीके से देखिए उबला हुआ देसी केला मैं ली हूँ। तो पहले नमक से शुरुआत करती हूँ, सेंधा नमक 1 चम्मच, धनिया पत्ती, हरी मिर्च कटा हुआ, अदरक को पीस ली हूँ मैं, और सिंघाड़े का आटा 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए। इसको मैं सेक ली हूँ सूखे कढ़ाई में, जिसमें बिल्कुल तेल वेल नहीं डालना है। इसको अच्छे से सेक के फिर इसमें डाल रही हूँ। तो चलिए अब सबको अच्छे से मिला लेते हैं। तो देखिए इस तरीके से सन जाएगा, कैसा एकदम नरम। अब जब ये पूरा अच्छे से मिला लेंगे आप, तब इसमें 1/2 चम्मच सा घी दे दीजिएगा, तो इससे अंदर भी एकदम मस्त खस्ता होता है। तो घी देना बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत टेस्टी बनता है और चटपटा सा आपको लगेगा ये रेसिपी। तो चलिए अब ये देखिए मैंने सारे जो भी चीज़ इसमें डाली थी, धनिया, हरी मिर्च, नमक जो भी डाली थी, सबको अच्छे से मिला दी हूँ। अब इसका एक अच्छा सा प्यारा सा शेक बना देते हैं। इसको बनाना एकदम आसान है, करना कैसे है तो छोटा छोटा एक लोई बना लीजिए आप, छोटा बड़ा जैसा भी आपको पसंद है, गोल हार्ट के शेप का जैसा भी। तो मैं गोल गोल बना रही हूँ। इस तरीके से हाथ पे रखते जाइए और ऐसा शेप देते जाइए, बहुत टेस्टी होता है, यकीन मानिए। एक बार बना के ज़रूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग जब मेरे को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं तो मन बहुत खुश होता है। बस मैं इतनी तो आपसे चाहती हूँ। तो देखिए इस तरीके से गोल गोल बनाते जाइए और एक प्लेट में रखते जाइए। तो देखिए सारे टिक्की को मैं ऐसे रेडी कर ली हूँ। तो चलिए अब इसको फटाफट सेक लेते हैं। तो इस तरीके का तवा ले लीजिए आप। देखिए मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल रही हूँ और इसमें सारा टिक्की डाल दी, और जितना भी मैं टिक्की बनाई हूँ सबको अच्छे से लाल करके सेक लेना। घी फैलाते जाइए और इसको लाल करके दोनों साइड से सेक लीजिए। धीमे आंच पे सेकिएगा ताकि ये अच्छे से सिक पाए। ऐसे करके सारे टिक्की को पलट देते हैं। तो देखिए एक साइड तो मस्त हो गया है, एकदम लाल करके सिक गया है। देखिए इस समय पे थोड़ा सा इसमें 1/2 चम्मच जैसा घी और डाल देती हूँ ताकि दूसरे साइड भी मस्त क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाए। तो देखिए सारे कच्चे केले के टिक्की मेरे अच्छे से सिक गए हैं। अब इसको मैं चटपटा सा आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो टिक्की का चटपटा सा चाट बनाने के लिए ऐसा 1 कटोरी में दही जमा के मैं रखी हूँ। देखिए एकदम गाढ़ा दही है, इसको बस सेक कर लेना है। तो इस टाइप का सेक कर ली हूँ, इसमें मैं दही डाल देती हूँ, इसमें सेंधा नमक डाल देते हैं और इसको अच्छे से फेंट लेते हैं। तो देखिए मैं दही को अच्छे से फेंट ली हूँ। ऐसे प्लेट पे मैं टिक्की को रखती हूँ, डाल देती हूँ जो दही मैं आपको दिखाई, सेक करके रखी हूँ। ये देखिए ऐसा जीरा पाउडर दे देते हैं, थोड़ा इमली का मीठा चटनी दे दीजिए, आप इसमें हरी चटनी भी डाल सकते हैं, धनिया पत्ती दे दीजिए और 1 चम्मच नींबू का रस। मजे उठाइए कच्चे केले का चाट। देखिए देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में भी बहुत ही अच्छा होता है। तो प्लीज़ इसको बनाइए और मज़े उठाइए।